कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में का क्या हाल। मैं अपने कैमरा पर्सन सुब्रत जानो बोलूंगा कि ये दिखाने के लिए कि मैं अभी खड़ा हूँ पार्क स्ट्रीट और शेक्सपियर सरोवर के बीच में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा पेड़ रास्तों में गिरा हुआ है और रास्ता भी पूरा पानी से भरा हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि अभी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सिर्फ एक नहीं, आप जिधर भी देखेंगे सभी जगह पे पेड़ आपको गिर कर देखने मिलेगा। और ये देखिए पेड़ के पास ही एक जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है वो भी यहाँ पर गिर चुका है। और ऐसी जो ये जो छवि आप देख रहे हैं ये सिर्फ कोलकाता की साउथ कोलकाता नहीं, नॉर्थ कोलकाता और पूरे कोलकाता के हर एक जगह में ऐसी देख रहे हैं। और बहुत सारा पेड़ गिर गया है क्योंकि अभी तक KMC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हम लोगों को जितना जानकारी मिला है कि 300 से ज़्यादा पेड़ गिर चुका है। और बहुत सारा जो डेंजर जो घर है, बहुत सारा घर भी गिरा हुआ है। अभी कोलकाता में कितने लोगों का मौत हुआ है और कितने घायल है वो अभी तक KMC के तरफ से ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिला है, क्योंकि अभी KMC का जो जो लोग है अभी वो यहाँ पर जो पेड़ गिरा हुआ है इसको हटाने की काम कर रहा है। और जिधर भी देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो घर है, घर का जो जो एक साइट था वो भी गिर के बाहर आया। और रास्ते में जो पेड़ गिरा है ना वो बहुत डेंजरस सिचुएशन में है क्योंकि यहाँ पर हर एक पेड़ से तार लगा हुआ है और वो ये जो पेड़ गिरा है वो तार को लेके ही गिरा है। लेकिन अभी तक जो इस इलाके में अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद है तो ये अभी इससे कुछ हादसा नहीं हुआ क्योंकि ये जो तार है इसके गिरने से कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी जगह में इलेक्ट्रिक्यूशन का भी खबर आ चुका है। कोलकाता में जो तिलजला एरिया है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक्यूटेड हुआ है ऐसा जानकारी मिला है। और भी बहुत सारी जगह में बहुत सारे लोग जो इंजर्ड हुआ है और सभी का जो कारण है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ गिरने के लिए ही ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल सुजय, काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप दोनों मेरे साथ रहिए। इस बीच कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में अम्फन तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा। बेलियाघाटा में बिजली की लाइन पर पेड़ गिरने की वजह से आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया और वहाँ हो रही स्पार्किंग की वजह से लोग दहशत में आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से काफ़ी देर तक वहाँ आतिशबाजी जैसा नज़ारा दिखाई दिया। तो बेलियाघाटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद ऐसा लग रहा है मान लो खिड़की से लोग आतिशबाजी कर रहे हो, पर ऐसा है नहीं। अम्फन तूफान की वजह से जो तेज़ हवाएं चली उसके बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। इस बीच कोलकाता में तूफान ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों के घर मानो पूरी तरह तबाह हो गए। एक घर का सामान तूफान की वजह से पूरी तरह बिखरा दिखाई दिया। वहाँ तूफान और तेज़ बारिश की वजह से घर के अंदर पानी ही पानी दिखाई पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दीवारों के बीच से जहां से भी जगह मिली पानी लोगों के घरों के भीतर घुस गया। हम आपको कोलकाता में हुए नुकसान की अब तीन तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह मकानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों में सामान बिखर गया, घरों में पानी भर गया, जबकि घर का सामान भी टूट गया। सड़कों पर पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे टूट कर गिर गए, इमारतों को नुकसान पहुंचा, उधर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। एक बस पर पेड़ गिरने से वो बुरी तरह टूट गई, जबकि एक महंगी गाड़ी पर भी पेड़ गिर गया, इससे गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ ओडिशा से सुभा लक्ष्मी भी हैं। सुभा लक्ष्मी, मैं जरा ओडिशा के भी हालात आपसे जानना चाहूंगी। कल जिस तरह से अम्फन तूफान आया उसके बाद आप ये बताइए आप ओडिशा में कहाँ हैं और अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें हमें दिखा सकती हैं। देखिए अभी तो हम लोग भुवनेश्वर में है, लेकिन ये जो तूफान के बारे में बात कर रहे हैं ये अभी देखा जाए नॉर्थ ओडिशा में ज़्यादातर इसका प्रभाव रहा है। नॉर्थ ओडिशा के चार जिले जो है बालेश्वर, भद्रक है, मयूरभंज और जगत सिंहपुर केंद्रापड़ा, ये सब जिले में ज़्यादातर प्रभावित हुआ है। तूफान का प्रभाव इस जिले में देखने के लिए मिला है। बहुत एरिया में अगर देखा जाए पेड़ गिर पड़ा है और